अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी सीन कुछ हुआ है कि अभी हम आए हैं पाकिस्तान मोनूमेंट पर, यहाँ के कुछ सीन्स कहेंगे और कुछ हिस्ट्रीज के हवाले से आपके साथ शेयर भी करेंगे, तो स्टे ट्यून। अभी हम पाकिस्तान मोनूमेंट में मौजूद हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, यानी कि 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसकी बुनियाद रखी थी। बेसिकली ये जगह जो है चारों सूबों की यूनिटी को शो करने के लिए है, चारों सूबे आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये उसको शो करने के लिए है। तो अभी हम जरा अंदर जाएंगे, इसके शॉट्स वगैरह लेंगे, तो आप हमारे साथ रहेंगे। पिछले 5 से 6 महीने से मैं और सवेर व्लॉग्स तो बना ही रहते हैं। हम इस्लामाबाद मंडी की मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, जहाँ जाके हमने कल्चर को एक्सप्लोर किया है, उन सारी जगहों को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं और सवेर काफ़ी अर्से से एक चीज़ सोच रहे थे कि हम जो भी कोई व्लॉग बनाते हैं ना, उसमें हम कम अज़ कम कोई एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर लें जिससे लोगों को हेल्प हो या लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आज हम लोगों ने यह तय किया था कि हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि वाई हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, कि तारीख की अहमियत क्या होती है, और अगर तारीख को मस्क करने की कोशिश की जाए या अगर गलत तरीके से तारीख को लिखा जाए तो उसका क्या नुकसान होता है एज़ अ कॉम, एज एन इंडिविजुअल और एज अ कंट्री को क्या नुकसान होता है। तो इस पर आज हम तफसील के साथ बात करें। हिस्ट्री हमें सबसे ज़्यादा ये सिखाती है कि हमारे जो पीछे लोग गुजर के गए उन्होंने क्या गलतियाँ की थी। अगर हम मुसलमानों की हिस्ट्री की बात करें तो एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आती है कि जितने भी मुसलमान पिछले 800 सालों से सब कॉन्टिनेंट में, या ये भी कह सकते हैं कि 1300 साल पहले जब मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू किया, तो तब से लेके अभी तक जितने भी मुस्लिम लीडर्स गुजरे हैं, एक चीज़ बड़ी क्लियरली हमें नज़र आती है कि उन सबको नुकसान उन मुसलमानों ने खुद ही पहुँचाया। मोहम्मद बिन कासिम से और लेके मुगल एम्पायर तक आज तक हर मुस्लिम लीडर को जो नुकसान है वो उन्होंने पहुँचाया। अगर आप मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो वो जब उनकी जब मौत हुई तो उनको मारने वाले भी मुसलमान थे, और उनकी जो डेड बॉडी थी उसको एक गाय या भैंस की स्किन के अंदर उन्होंने सी के उन्हीं के मुल्क से डिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद अमीर तैमूर हो या इब्राहिम लोदी हो, इन सब ने भी एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। बाबर जब सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ तो वो बेसिकली निकाला गया था, उसके चचाओं ने उसको उसकी जगह से निकाला था और वो यहाँ आया, उसने आके भी यही सब कुछ किया। फिर पूरे मुगल एम्पायर में हमने एक चीज़ की बुनियाद रखी, वो ये थी कि बाप बेटे को मार देता था, बेटा बाप को मार देता था सिर्फ थ्रोन के पीछे। तो ये चीज़ जो थी हम लोगों ने इससे कभी सीखा ही नहीं। उसके बाद हमने क्या किया कि जो एक हिस्ट्री हमारी थी हमने उसी को बदल दिया, हमने नई कहानियाँ शुरू कर दी, हमने एक नया नरेटिव बना लिया। उसमें हमने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, मुसलमान आपस में बहुत यूनाइटेड थे, मुसलमान ऐसे थे, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा साजिशें होती रही हैं जिसकी वजह से मुसलमान आज तक इस नतीज में पहुँचे। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें हुई हैं, क्या हमने कभी ये सोचा कि यार वो लोग अगर साजिशें कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपका दिमाग में काम करने की सलाहियत ही नहीं थी। और सबसे बड़ा हमारा फेलियर का रीज़न ही यही है कि हम दूसरों पर अपनी स्केप को ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी जब से बना है तब से लेके अभी तक पाकिस्तान को इंडिया ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हम अफगानिस्तान से नुकसान खा चुके हैं, और लेकिन अफगानिस्तान वाले भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। तो यहाँ पे मैं और आज सवेर जिस बात को लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि आज तक मुसलमानों ने कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया। बात ये है, हुमरान की बात को मैं सेकंड करते हुए ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अंग्रेज़ों ने हमें जब सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने बज़ाहिर कब्ज़ा किया, लेकिन उन्होंने कितना हमारे खित्ते को खुशहाल भी किया। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया यहाँ पर उन्होंने रेलवे सिस्टम मुतारिफ करवाया, तो कितनी चीज़ें यहाँ पर आला तरीन यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस बनाए अंग्रेज़ों ने। और मुसलमानों ने क्या किया, किले बनाए, मस्जिदें बनाई, और यहाँ पर आकर उन्होंने एक अपने जितना भी उनका इक्तदार होता था उसको सिर्फ उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम कितने अमीर हैं, किले बना लिए, डिफरेंट जगहों पर कब्जा करके उन्होंने अपने आवाम किलों ने कुछ बेसिकली नहीं किया, सिर्फ अपने आप को सहाना लाइफ स्टाइल देने के लिए, अपनी चार दीवारी को सिक्योर करने के लिए वो किले बनाकर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आवाम में अदम बर्दाश्त और इतनी इनटॉलरेंस क्यों है। हम जब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे ही नहीं, और हम बेसिकली लोगों का रिसर्च बहुत कम है, लोग रिसर्च से अवल तो करते ही, और बेसिकली ये कि लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते ही नहीं, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना तो सुनते और कहते हैं कि जो हम पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं वही
حرف آخر ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے اور دوسرا جو بھی بات کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو بیسکلی ہم مسلمانوں کا بیسکلی یہی فالٹ ہے کہ ہمیں اسلام میں بھی کہا گیا کہ ہمیں اجماع کرنا چاہیے اور اجماع کے تھرو کسی بھی پوائنٹ کو ڈسکس کر کے اس کا کوئی سلیوشن نکالنا چاہیے. تو بیسکلی ہمیں یہی چاہیے کہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں اور اگر کچھ اس سے اچھی بات ہمیں ملتی ہے تو اس کو لیں اور اپنی اصلاح ضرور کریں. یار تو سین کچھ ہوا کہ ابھی ہم شکر پڑی آئے تھے, یہاں کے کچھ سینس دکھائے آپ کو اور یہاں کچھ ڈسکشن بھی کی کچھ ٹاپکس پر. اب بات یہ ہے کہ ہمیں ایک جگہ پر جانا ہے, وہاں ایونٹ بھی کور کرنا ہے. تو ابھی ہم وہاں جائیں گے, ایونٹ پر جو جو ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے وہ دکھائیں گے آپ کو اور ایونٹ بھی چیک کروائیں گے. تو لیٹس گو. تو یہ پیچھے ہمارے پاکستان میوزیم مونومنٹ ہے, لیکن ہم اندر نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پہ کیمرہ وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے. تو ہم یہ بیسکلی لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں تو یاد رکھنا کہ آپ میوزیم کے اندر کیمرہ وغیرہ نہیں لے کے جا سکتے, لیکن یہ بڑی اچھی جگہ ہے, اس کو وزٹ ضرور کیجیے. ہم ادھر چنا کالج آتے ہیں کیونکہ کوئی فیئرویل جس کو کور کرنا تھا, لیکن ہم اپنے بلاگ کے لیے کوئی فوٹیج شوٹ نہیں کر پائے ویسے. تو یہی اپنے بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا کس طرح کی ویڈیوز فیوچر میں دیکھنا. سب کر کے فی الحال سویر اکرم اور عمران خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.